तो वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अरोमा ऑफ फूड। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता, जो ही बहुत स्वादिष्ट होगा खाने में और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक बैंगन जो मीडियम साइज है, देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से हमने धुल लिया है। उसके बाद हमको चाहिए लाल मिर्च, जीरा और हींग और गर्म मसाला, और चाहिए हमको हल्दी और दही चाहिए, और हमको चाहिए 5 टमाटर, और हमने 3 मिर्च ले रखी है और एक आधा कटा हुआ अदरक का टुकड़ा ले रखा है हमने, आप देख ही सकते हैं। और हमने फिर धनिया काट के धुल दिया अच्छे से, और हम आप देख सकते हैं इधर हमने धनिया रखा है, इसको हम पीस कर डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंगन में चाकू से हींग को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बैंगन में छेद कर दिया, अब उसमें हम चाकू की मदद से हींग उसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, हींग बहुत अच्छी होती है, स्वाद भी अच्छा आएगा इसका, और जो पेट हमारा ख़राब होता है वो ख़राब नहीं होगा पेट हमारा। तो इसी तरह हम हींग को डाल देंगे बैंगन के अंदर अच्छे से। अब गैस जलाकर हम बैंगन को अच्छे से आग पर भूनेंगे, और याद रखें कि गैस जो होगी वो धीमी होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना क्या होगा बैंगन जल जाएगा। फिर इसको अच्छे से पलट पलट के हमको भूनना है अच्छे से गैस पे, जब तक हम अपने टमाटर को, मिर्च को और अदरक को पेस्ट बना लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं बैंगन हमारा भून रहा है, तो देख सकते हैं अब हमारा बैंगन भुन चुका है। इसको चारों साइड से अच्छे से भूनना है। अब इसको जो ऊपर से ही उसके ऊपर कवर है, इसको कवर को हटाना है हमको। तो आप देख सकते हैं इस हटाना है कवर को, सारे जितना भी काला काला है सब हटा दीजिएगा आप। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको काटेंगे चाकू की मदद से, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम इसके। आपको अच्छे से और छोटे छोटे टुकड़े कर देना चाकू की मदद से इसके। आप देख सकते हैं किस तरह हम इसको अच्छे से छोटे टुकड़े में कर दे रहे हैं। अब हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसको गर्म होने रख देंगे, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं तेल इसमें। देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा सबसे पहले। और फिर उसके अंदर डालेंगे हींग। अब उसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट।
और उसमें फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर। तो अब हम मसाले को अच्छे चलाएंगे, हम धीमी आंच पे इसको करके चलाना है, वरना मसाले हमारे सारे जल जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो टमाटर का और मिर्च जो हमने पेस्ट बनाया था। और इसको तो चलाएंगे अब तक ये हमारा तेल और मसाला हमारा अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल और मसाला अलग हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। आप इसको अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक को। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला हो रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही 1 कटोरी। इसको हम अच्छे चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे गुट्टी गुट्टी जैसे दिख रहे दही वो अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा दही अच्छे से मिल रहा है अब। तो हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बैंगन, जो हमने अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, उस बैंगन को अब हम इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे फिर। और हम इसमें अब ऐड करेंगे गरम मसाला। इसको अपने स्वाद अनुसार डालिएगा गरम मसाले को। और फिर सबको अच्छे से मिलाकर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा कर। तो और हाँ, ध्यान रहे कि इसको हमको धीमी आंच पे पकाना है, और फिर हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं अब। और हम इसको फिर 5 मिनट बाद आके देखेंगे कि हमारा कैसा बैगन का भरता बन रहा है। तो इसको हम चलाएंगे खोल कर फिर से। अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा बैगन का भरता बन के तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमने अब इसको मिला लिया है। अब इसको फिर ढक कर रख के थोड़ी देर से और पकने देते हैं। फिर भरता हमारा बन चुका है, देख सकते हैं अब हमारा बैगन का जो भरता है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम धनिया की गार्निशिंग करते हैं। आप डाल दो, मैं फोटो ऐसे ले लूंगा मैं इसी के पास। नहीं काली निकाल, अगर मैं अंदर फोटो ले लूं ना। इसके बाद हमारा जो भरता है वो सर्व करने के लिए रेडी है। तो तुम मत ढको, तुम चलाना मत चलाना मत चलाना मत चलाना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।